उत्तराखंड पुलिस द्वारा एक चाइनीज लोन ऐप के बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया गया है। हमारी एसटीएफ और साइबर थाने की टीमों ने इस काम को किया है। ये लोग लोगों को सस्ते लोन देने के नाम से ठगते थे और उनको एसएमएस भेज करके अपने ऐप को डाउनलोड करवाते थे और फिर उसके माध्यम से उनका डाटा, उसकी परमिशन वगैरह ले लेते थे बीच में जब आप डाउनलोड करते थे उसमें, और फिर लोगों को धमकी देना, ब्लैकमेल करना शुरू कर देते थे। उनके रिश्तेदारों को उसमें कोई ना कोई अश्लील फ़ोटो वीडियो भेज करके ब्लैकमेल करते थे। और इस तरह का इन्होंने 300 करोड़ का घोटाला किया है पूरे देश भर में। अभी हमने सिर्फ 5 ऐप का डिटेल देखा तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर 95 कंप्लेंट्स हैं। ये बहुत सारी चाइनीज ऐसी ऐप्स हैं जिनके माध्यम से घोटाला हो रहा है और उत्तराखंड में ही 200 से ज़्यादा शिकायतें आ चुकी हैं। हमने 29 दिसंबर को पहली FIR दर्ज करके जाँच करने के बाद FIR दर्ज की है, जिसमें बहुत सारे सेक्शंस लगे हैं, जिसमें 384 का ग्रुप भी है ब्लैकमेलिंग वाला, जिसमें धोखाधड़ी का ग्रुप भी है 419, 420, 469 और बाकी IT एक्ट की धाराएं भी हैं। हमने एक अभियुक्त को, अंकुर ढिंगरा को पकड़ा है जो दिल्ली निवासी है, जिसको हमने गुड़गांव से पकड़ा है। ये मैंड्रिन वगैरह जानता है, चाइना में बहुत बार जा चुका है और इसके लैपटॉप से ही हमें पता चला है कि कम से कम 300 करोड़ का ट्रांजैक्शन तो इसी के लैपटॉप में उसमें डिटेल्स हैं। तो आगे की जांच में और बड़ा भंडाफोड़ होगा। इन्होंने जो है एक हेक्टर लैंडिकारो प्राइवेट लिमिटेड ये नाम की एक सेल कंपनी बनाई हुई है, उसी से उसका ये इंडियन मास्टरमाइंड लग रहा है। इसमें 5 चाइनीज नाम भी इसके सामने आए हैं और उनके बारे में भी हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, एक तो ये नेशनल लेवल का घोटाला है और दूसरा ये है कि आप लोग इस तरह के जाल में ना आएं। पिछले वर्ष इन्होंने जो है पावर बैंक ऐप के माध्यम से 1,500 करोड़ का घोटाला किया था, चाइनीज घोटाला था वो भी, और उसमें 15 दिन में पैसा डबल करने का झांसा देते थे। अब आपको सस्ते लोन का झांसा देते हैं, तो इन इस तरह के जाल में कृपया बिल्कुल ना आएं।